हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्टेयर केस या कंपोनेंट्स ऑफ स्टेयर केस के स्टेयर केस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और स्टेयर केस किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले मेरे पास ये एक टिपिकल स्टेयर केस की डायग्राम है। इसके अंदर हम अगर देखें तो हमारे पास ये जो वर्टिकल हाइट है इसको हम कहते हैं राइजर। राइजर, अ वर्टिकल हाइट ऑफ अ स्टेप इज कॉल्ड राइजर। और जो हॉरिजॉन्टल हाइट है हमारे पास उसको हम कहते हैं ट्रेड। यानी वर्टिकल हाइट जो हमारे पास है वो राइजर है, हॉरिजॉन्टल हाइट हमारे पास जो है उसको हम ट्रेड कहते हैं। और इन दोनों का, राइजर और ट्रेड का, जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं नोजिंग। और राइजर और ट्रेड की कॉम्बिनेशन से, एक जो कॉम्बिनेशन होता है राइजर और ट्रेड का, इससे एक स्टेप बनता है हमारे पास। यानी कि ये राइजर और ट्रेड का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक स्टेप बनेगा हमारे पास। इसी तरह अगर हम देखें, ये हमारे पास इसकी रेलिंग है। जो जब हम स्टेप्स पे चलते हैं तो जो हमारे, जिसके ऊपर हमारे हाथ होते हैं वो, उस चीज को हम कहते हैं रेलिंग। और इसके जो वर्टिकल सपोर्ट मेंबर्स होते हैं, जो वर्टिकली इसको सपोर्ट करते हैं, उनको कहते हैं ब्रस्टर्स। देन जिधर स्टेप्स खत्म होते हैं और नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस को लैंडिंग। और जो स्टेप के हमारे पास जो बॉटम स्लैब होती है आरसीसी की, ये जो नीचे हमारे पास ये बॉटम स्लैब आ रही है ये वाली, इसको हम कहेंगे वेस्ट ऑफ अ स्टेयर। यानी इसको हम कहेंगे वेस्ट। ये जो उसके बॉटम होता है, बॉटम के अंदर जो आरसीसी शेल्फ होती है या आरसीसी स्लैब डली होती है उसको कहते हैं वेस्ट ऑफ अ स्टेयर। और ग्राउंड लेवल और स्टेयर का जो आपस में एंगल बनता है, ये देखें, ये ग्राउंड लेवल और ये जो उसका एंगल बनेगा इसको कहते हैं पिच ऑफ अ स्टेयर। पिच ऑफ अ स्टेयर जो है वो हमारे पास, उसकी हमारे पास लिमिट होती है कि वो 25 डिग्री से 45 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। यानी जो अगर 45 से ज्यादा होगा तो वो भी, उसको भी चढ़ना मुश्किल होगा, और 25 से कम होगा तो वो बहुत लंबी स्टेयर हो जाती है। तो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड है, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है कि पिच जो है हमारे पास, या एंगल जो है ग्राउंड और स्टेयर के दरमियान, वो बिटवीन होना चाहिए 25 डिग्री टू 45 डिग्री। अगर हम स्टेयर केस की टोटल हाइट को देखें, जो टोटल हाइट होगी हमारे पास स्टेयर केस की, उसको हम कहते हैं टोटल राइज। टोटल राइज यानी स्टेयर केस ग्राउंड लेवल से लेकर जब तक स्टेयर खत्म होती है तो उसको, उस पूरी लेंथ को हम कहते हैं टोटल राइज। और जो स्टेयर केस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, अगर जो स्टेयर केस स्टार्ट होती है, जिधर स्टेयर केस खत्म होगी हमारी, उधर शुरू से लेके आखिर तक, उसको हम कहेंगे टोटल गोइंग। तो इन सारे कंपोनेंट से मिलकर हमारे पास एक स्टेयर केस बनता है। उम्मीद है आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप watching my videos and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.